अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में चिकन, स्पाइसी सी चिकन कढ़ाई बनने जा रही है। तो आए इंग्रेडिएंट नोट करें। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। चिकन को हमने कढ़ाई कट करवा लेना है। चिकन को हमने कढ़ाई कट करवाना है, लेकिन उसके लेग और थाई को हमने बिल्कुल साबुत रहने देना है। अक्सर हम जब कढ़ाई कट करवाते हैं तो वो चिकन का लेग पीस और थाई को भी कट कर देते हैं, यानी दो पीसेस कर देते हैं, तो ऐसा हमने नहीं करना। तो यहाँ शामिल करेंगे इंग्रेडिएंट। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला मैंने 1 टेबलस्पून भर के लिया था, 1 भर के टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, दही के साथ सारे मैं तमाम स्पाइसेस जो हैं वो मैरिनेट करूंगी। इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और हाफ आवर तक अगर आपके पास टाइम है तो इसे रख दें, अदरवाइज आप उस वक्त भी बना सकते हैं। 4 टेबलस्पून मैं इसमें सिरका भी ऐड करूंगी और इसको हाफ आवर तक मैंने ब्रेक दे दिया था ताकि अच्छे तरीके से मैरिनेशन हो जाए इसकी। तो ये बहुत शॉर्टकट कढ़ाई है। अगर आप इसी तरह से मैरिनेशन करके ये चिकन फ्रीज़ भी कर दें, जब आपके मेहमान आए तो ऑन द स्पॉट आप इसे निकाल के कढ़ाई बना सकते हैं। देखें, ये इस स्टेप पे आप इसको फ्रीज़ कर दें, एयर टाइट किसी भी जार में डाल के आप इसे बॉक्स में डाल के रख सकते हैं। एक दरमियानी साइज़ का प्याज लेंगे और उसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। हम कोई भी कढ़ाई बनाते हैं तो उसमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो ऑयल या घी जो भी हम इस्तेमाल करते हैं वो नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें ऐड होता है, कोई भी कढ़ाई हो, चाहे मटन कढ़ाई है या चिकन कढ़ाई है, ताकि हमारी अच्छी से इसकी भुनाई हो जाए। हमने इसको हल्का सा कलर चेंज करना है, जैसे हल्की सी क्रिस्पी प्याज होती है, तो जब आप इसका प्याज का टेक्सचर देखें थोड़ा सा चेंज होने लगे तो आपने साथ ही चिकन जो मैरिनेट किया हुआ है वो हम इसमें ऐड करेंगे। हम इसको प्याज को ब्राउन इसलिए नहीं करेंगे कि हमारी कढ़ाई की कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है, तो इस वजह से हमने कढ़ाई का कलर नहीं चेंज होने देना। दो से तीन मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे इसके साथ, ताकि तमाम इसके जो जूसेस हैं वो थोड़े से रिटेन हो जाएं। आप देख सकते हैं जो सारे चिकन के जूसेस थे वो इस वक्त तेज़ आंच पे पकाने से सब रिलीज़ हो गए हैं। इस वक्त हमने इसको ड्राई कर लेना है, इसके पानी को ड्राई कर लेना है और इसको कवर कर देना है। फिर जितनी देर में ये 10 मिनट्स हमने इसको कवर करके पकाएंगे, ताकि थोड़ा सा चिकन टेंडर भी हो जाए और तमाम जो इसके स्पाइसेस हैं अच्छे तरीके से पेनिट्रेट हो जाए। इस स्टेप पे 3 बड़े टमाटर हम इसमें ऐड करके इसको फिर कवर करके पकाएंगे। बहुत सिंपल सी कढ़ाई है।
बहुत सिंपल से स्पाइसेस हैं जो हर घर में हर किचन काउंटर पे मौजूद होते हैं। आप आराम से ये कढ़ाई तकरीबन 10 से 15 मिनट में पका सकते हैं अगर आपने मैरिनेशन की हो। मैरिनेशन अगर आप ऑन द स्पॉट भी करते हैं तो टोटल इसकी टाइमिंग हाफ आवर टू 45 मिनट्स है। इसको कवर करके इतनी देर पकाना है जितनी देर में थोड़े से टमाटर हमारे टेंडर हो जाएं। इस चिकन की बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करनी क्योंकि चिकन बहुत सॉफ्ट होता है मैरिनेशन की वजह से, हमने इसमें विनेगर डाला होता है उस वजह से, तो इसको बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ आपने नहीं करनी। हमारा ये बहुत टेंडर और जूसी चिकन बनता है। बस लास्ट में हमने इसमें 6 to 8 टेबलस्पून हमने दही ऐड करना है और अच्छे से फिर मिक्स कर लेंगे। चाहे तो इस वक्त आप कवर करके भी इसे पका सकते हैं ताकि जो बकाया टमाटर थोड़े से हार्ड हमें नज़र आ रहे हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएं। चिकन को या कोई भी कढ़ाई बनाते हुए जब आप ओपन किसी भी देगची में या इस तरह से कढ़ाई में बना रहे होते हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे कढ़ाई के साथ स्पाइसेस लगे होते हैं उनको भी नीट करना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त हम भुनाई कर रहे होते हैं तो अक्सर ये होता है कि वो जल जाता है और कढ़ाई के अंदर जले हुए का टेस्ट आता है। इस चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए कि हमारी कढ़ाई जो है जलनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के मुताबिक अगर आपको कटी हुई हम मिर्चें पसंद है तो आप कटी हुई भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस वक्त यहाँ पे साबुत मिर्चें ही ऐड कर दी थी क्योंकि स्पाइसेस ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा तेज़ थे, तो फिर मैंने मुनासिब यही समझा कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट साबुत मिर्ची डाल दूँ। ये तमाम अच्छे तरीके से कढ़ाई की बुनाई हो गई है तो आप इसको फिर डिश आउट कर लें। आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा इसको लास्ट जो फाइनल टच था चम्मच नहीं चलाया क्योंकि चिकन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका होता है। तो आपने चिकन को बनाने के लिए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके लेग वगैरह जो पीसेस होते हैं वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, तो आपने इतना ज़्यादा टच नहीं करना कि हमारे लेग पीसेस वगैरह इसमें टूट जाए या कोई भी चिकन का पार्ट टूट जाए। तो मज़ेदार सी हमारी स्पाइसी चिकन कढ़ाई रेडी है। आप इसको नान के साथ चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार है। इंशाल्लाह आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आपने लाजमी ट्राई करके कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय का इजहार करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज़।